क्या जाने क्या फैसला होगा। और क्या होगा, सुल्तान जंगी जंग के हक में फैसला देंगे। जरा सी देर है बस, हमारे हैं काफिरों। क्या हुआ अमीर? उन्होंने क्या फैसला किया? जंग के खिलाफ फैसला हुआ। लेकिन क्यों? अगर हम अस्कलान की तरफ गए तो शाह बाल्डविन हज के रास्ते रोक लेगा। उन्होंने शेर बांध दिए और गीदड़ खुले छोड़ दिए। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम लोग अस्कलान जाएंगे। माजरा चाहता हूं या आमिर, अगर हम रियासती फैसले के खिलाफ गए तो नतीजा बुरा होगा। अस्कलान की निजात का दारोमदार हम पर और हमारी निजात का दारोमदार अस्कलान पर है। फतह सारे इल्जाम धो डालेगी। मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अब चाहे बाबा कीमत ले इसकी या दुश्मन को ही झुकाए, कोई परवाह नहीं मुझे। अब क्या मेरे साथ हैं आप सब? आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूं। इजाजत मरम्मत फरमाइए साथ चलने की। तो रांचा यही बेहतर होगा, यही रुको, क्योंकि इस फैसले का अंजाम मौत भी हो सकता है। तो क्या शहादत की मौत की तमन्ना गलत है अमीर सलाउद्दीन? मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मेरी जिंदगी का कोई अजीम मकसद हो, और इससे अजीम कोई मकसद नहीं। शहंशाह मेरा छोटा भाई है और आप मेरे रजाई भाई। अपने भाइयों को ऐसे मौके पर अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? अस्कलान, जहां मैं अपने बाप की हाकिमियत का झंडा गाड़ूंगा। ये शहर बनने वाला है मेरे इश्क और इंतकाम की तस्वीर। कमांडर, सलाहुद्दीन अस्कलान की तरफ रवाना हो चुका है। शाह बाल्डविन ने नूरुद्दीन के हाथ बांध दिए थे, मगर सलाहुद्दीन को वो हथकड़ियां रोक नहीं पाई। वो जानता है अस्कलान जेरे नगी होते ही मैं उनकी तरफ रुख करूंगा। सलाहुद्दीन से मुझे इसी की तवक्को थी। सलाहुद्दीन अस्कलान पहुंच गया तो उनका दिफा कई गुना बेहतर हो जाएगा। अस्कलान को चारों तरफ से घेर लिया जाए, सलाहुद्दीन दाखिल ही ना हो पाए। हुक्म की तामील होगी। सलाहुद्दीन के आने तक मैं अस्कलान का हाकिम होऊंगा।
जंग की आग भड़क चुकी है। अस्कलानी आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन वो हार जाएंगे। मुहासरा तंग से तंग पड़ रहा है। उन सरदारों से निमटते हैं जो फसील पर हमला कर रहे हैं। इस तरह एक तरफ से तो मुहासरा तोड़ ही देंगे हम लोग। इस तरह उनका नहीं हमारा नुकसान है, ये किसी तरह ठीक ना होगा। हमें तो अस्कलान में दाखिल होकर उनका दिफा मजबूत करना चाहिए। अगर अस्कलान को मजबूत कर दिया जाए तो सलीबी ताकत कमजोर पड़ सकती है। ये तो ठीक है अमीर, लेकिन अस्कलान चारों तरफ से घिरा हुआ है, हम अस्कलान में दाखिल कैसे होंगे? नहीं जाने दूंगी। सलेबियों की नजरों से बच के चलना है। अस्कलान में दाखिल होने का एक खुफिया रास्ता है, वहीं से जाएंगे। हमारे पास अब और सिपाही नहीं है सुरैया खातून, एक ही हमले में बहुत सारे सिपाही मारे गए। मैं नहीं जानता अगले हमले में क्या हाल होगा हमारा। फसीलों की क्या सूरत है? कोई फर्क नहीं, वहाँ भी अम्बाद की यही सूरत हाल है सुरैया खातून। अगर सब इसी तरह चलता रहा तो सुबह तक अस्कलान नहीं बचेगा। तो गए, लेकिन अगर ये अस्कलानियों का दुश्मन के लिए बिछाया कोई जाल हुआ तो क्या हो गया तुम्हें? तुम दुश्मन की तलवार से नहीं, अपने वहम के हाथों मारे जाओगे। Oh!
ऐसे चोरों की तरह किस लिए आया अस्कलान? क्या इरादे? सिर्फ मदद करने का। लेकिन अपना तारुफ तो करवाए मदद करने वाले। मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बेटा हूँ, सलाउद्दीन। खलील तीरंदाज तैनात हो गए कि नहीं? जी बाबा, हो गए। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो, चलो जल्दी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो 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 चलो। ये सब क्या हो रहा है सुरैया? ये चोरी छुपे अस्कलान में दाखिल हुए हैं और जब मैंने पूछा तो बताया हमारी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। बाबा है कौन ये? नूरुद्दीन जंगी की औलाद। दुश्मन की औलाद, मेरे पास मेरी मदद करने आया है तू? तू किसे बना रहा है? मैं किसी को भी नहीं बना रहा। अस्कलान सिर्फ अस्कलानियों के लिए ही नहीं, तमाम आलम इस्लाम के लिए बहुत आम है। हम इसीलिए आए हैं। नूरुद्दीन जंगी को इसमें फायदा दिखाई दिया होगा, तभी तो सलीबियों से गठजोड़ कर लिया है तुम लोगों ने, इसलिए मदद के नाम पर यहाँ आ गए है ना? और अब यहाँ अस्कलान के अंदर बैठकर हमारी जड़ें काट डालोगे? ऐसा करने की क्या जरूरत है हमें? आप तो पहले ही अंदर से खोखले हैं। अगर सलीबी ना रोके गए तो आप कल के होते, आज ही तबाह हो जाएंगे, और हम ऐसा नहीं चाहते। अस्कलान को उनके चंगुल में नहीं जाना चाहिए। नूरुद्दीन जंगी इससे कौन सा फायदा उठाना चाहता है? वो समझता है अस्कलान को बचा लेगा तो हम उसके सरखरीद बन जाएंगे, क्यों? मुझे उसकी सोच मालूम है। हम जिस काम को दुरुस्त समझते हैं उसको सोचते नहीं कर गुजरते हैं। अस्कलान को बचाना चाहते हैं सलीबियों से फकत, उसके बाद आप जो जी चाहे करें। या अस्कलान को हमारे साथ मिलकर बचा लें, या अपनी अना के हाथ अपना वतन और अपनी जान दोनों कमा दें। हमें देख लेना चाहिए हमारी मदद कैसे करेंगे। मालूम हो जाएगा कि आपका दुश्मन हमें फायदा पहुंचाएगा या नुकसान दे है। सुरैया बहन ठीक कहती है बाबा, इस वक्त हमारे लिए एक एक तलवार कीमती है, और फिर ये तो सरहदी दस्ते के हैं, इनमें से हर एक 3 सलीबी सरदारों पर भारी है। खबर आई है कि सलाउद्दीन अस्कलान के आसपास दिखाई ही नहीं दिया। हो सकता है उसने मुआसरा देखकर अपना इरादा बदल लिया हो। बेवकूफ हो तुम, सलाउद्दीन अस्कलान के अंदर छुप के बैठा। नूरुद्दीन जंगी ने अपनी फौज नहीं भेजी, सलाउद्दीन चंद दस्ते के सिपाही अपने साथ लाया है। वो चंद सिपाहियों के साथ हमारा क्या बिगाड़ लेगा? उनकी तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। सलाहुद्दीन जरूर कोई मंसूबा लाया होगा अपने साथ। कामयाब ना हो पाएगा। हमले की तैयारी करो, सरदारों को हमले का हुक्म हो। सलाहुद्दीन ने बादशाह को शह दी है। मगर उसको मात दी जाएगी। शहर के दाखिली दरवाजे पर भी मुहाफिज मौजूद हैं। शहर के अंदर खलील की कयादत में दिफाई दस्ता मौजूद है।
लेकिन हमें मशरी की फसील पर तवज्जो देनी है क्योंकि मशरी की फसील निस्बतन नाजुक है। सारी तवज्जो मशरक की फसील की तरफ लेना गलती है। सलीबी दस्ते जनूबी साहिल की तरफ उतरेंगे, हमें उधर ही तवज्जो देनी है। उनके लिए अपने दस्ते जनूबी साहिल पर उतारना मुश्किल होगा, वो खुद को खतरे में नहीं डालेंगे। उन्हें आपके ख्यालात मालूम है इसलिए वो खुद को खतरे में डालेंगे। अगर तवज्जो साहिल पर लगा दी तो जनूबी दीवार का क्या बनेगा? मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती इसकी। अगर वो खुल्लम खुल्ला दीवार की तरफ से आए तो अपना दिफा करना मुश्किल होगा उन लोगों को। उनके दीवार तक पहुंचने से पहले हमारे घात में लगे दस्ते उन्हें बर्बाद कर डालेंगे। उनके जहाज शहर में बंदरगाह से दाखिल होने की कोशिश करेंगे और वहाँ उन पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। हमारे पास कुछ जहाज है, सिपाही उनकी सफ बंदी करके दिफाई दीवार बना देंगे। आपके सिपाही जुनूबी साहिल पर चाहिए, दिफाई दीवार मेरे आदमियों पर छोड़ दें। बस साहिल पर तो सिपाही तुम्हारे कहने पर भेज दिए, लेकिन मेरे जहाजों पर मेरा हुक्म चलेगा। हम समंदर के बीचों बीच रहते हैं, हमें मालूम है बहरी जंग क्या होती है। हम सलीबियों से कई महाज पर लड़ चुके हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं कि उनसे किस तरह निपटा जाता है। कोई कारनामा दिखाना चाहती हो या उन सलीबियों से अस्कलान को बचाना है तुम्हें? मैं अपने वतन बस जो ये कहते हैं वही किया जाए, जहाजों को तैयार किया जाए। जनूबी साहिल का महाज बहुत अहम है, इसलिए वहां दिफा के लिए आपकी ज्यादा जरूरत है। समंदरी महाज का दिफा मैं संभालूंगा। भी तुम्हें शहंशाह को साथ ले जाना चाहिए। दिफाई दीवार किसी सूरत टूटने ना पाए तुरंचा, कुछ भी हो जाए जगह छोड़नी नहीं है तुम्हें। जो हुक्म या आमीर। अफसोस हो रहा है मुझे जिल्लत पर भाई। कैसी जिल्लत अस्मा? हम अस्कलान को अपने एक दुश्मन से बचा रहे हैं इस वक्त, या दूसरे दुश्मन से जो घर में बैठा हो। आप वही कर रहे हैं जो नूरुद्दीन जंगी का बेटा कह रहा है। खुदा ना करे अगर उसकी वजह से हम पर कोई मुसीबत आई तो सारी जिंदगी माफ ना करूंगी। जरा ठहरिएगा। तो क्या तुम्हें ये जंगिया मलदारी लग रही है जो हर किसी पर इस तरह हुक्म चला रहे हो? हमारे साथ ये बिगड़े शहजादे वाला सुलूक बंद करो। जितना अपने बारे में सोचती हो उतना अस्कलान के लिए भी सोचो, और कम से कम इस बिगड़े शहजादे को अपना दुश्मन हरगिज़ ना समझो। लेकिन तुम्हारे बाबा को तो हमारी कोई परवाह नहीं। उन्होंने चंद सरहदी मुहाफिज भेजकर कारनामा कर दिया है ना। अगर वो हमारे दोस्त होते सारी फौज भेज देते यहाँ। बाबा अपनी सारी की सारी फौज यहाँ भेज देते अगर तुम उस कातिलाना हमले की हिमाकत ना करती। तुमको मालूम नहीं यह गलती कितनी महंगी पड़ी तुम्हें, लेकिन फिक्र मत करो, जब हम सलीबियों से अस्कलान को बचा लेंगे तब तुम्हारी इस हमाकत का तदारुक भी कर देंगे। उनके जहाज हरकत में आ रहे हैं। तो दिफाई दीवार बना रहे हैं मेरे लिए। तमाम सरदारों से कहो कि दुश्मनों के जहाजों पर नजर रखें और मुंतजर रहें मेरे इशारे के। जी कमांडर, ठीक है। झंडा लहराओ।
तुरंत सब तीरों को हाथ लगाकर तैयार रखें। बिस्मिल्लाह, चलाओ। मैंने कहा था ना,
दस्ता उनका शिकार हो गया। सलाहुद्दीन समझ गया, ये शतरंज तो अच्छी खेली सलाहुद्दीन, लेकिन अब जो कुछ मैं करने वाला हूं वो सोच भी नहीं सकते। जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में आग लग गई है। जल्दी करो, जल्दी ऐलान कर दो लौट चले। चलो छोटा, हम पास्ता हो रहे हैं।
जल्दी आ जाओ, चलो जल्दी से आइस्टे पे चलो, अगले हिस्से की तरफ, अगले हिस्से की तरफ चलो। वो पस्पा हो रहे हैं और यही वक्त है उन्हें जा दबोचने का। पटवार नीचे, जल्दी करो भाइयों, जल्दी करो। अमीर सलाहुद्दीन ने अपनी जगह छोड़ने से मना किया था, याद नहीं है क्या? उनकी हुकूमतूली मत करें। तो मैं कहा कर रहा हूँ हुकूमतूली, मैं तो अपनी जिम्मेदारियाँ ही पूरी कर रहा हूँ। अगर उन्हें जाने दिया तो वो हुकूमत के साथ फिर लौट आएंगे जंग छेड़ने। यही तो है उन्हें जा लेने का वक्त, क्योंकि इस वक्त वो सख्ती और कमजोर है। दुश्मन जहाजों की तरफ चल, पटवार खोल दे। चलो जल्दी करो, चलो। वो अकेला पड़ जाएगा। दुश्मन के जहाज की तरफ रुख मोड़ दिया जाए। चलो, अमीर सलाउद्दीन। आखिर कर क्या रहे हैं आपकी ये फौजी, बोलिए। उनसे कहा था कि जगह मत छोड़ना, मगर वो दुश्मन के ताकत में जा रहे हैं। दुश्मन के जहाजों को आग नुकसान पहुंचा चुकी है जहाजा, यही वक्त है आखिरी बात। कैसा हुआ? गैब्रियल जानबूझ के उन्हें अपने पीछे लगा रहा है, देख नहीं रहे वो उसका शिकार हो जाएंगे। चलो मत जाइए, हम यहाँ कमजोर पड़ जाएंगे। वो मारे जाएंगे अगर मैं ना गया। आप सब लोग यही रुके, जो हुक्म है यहीं पर। चलो जल्दी चलो मेरे भाई। आप उन्हें खींच ही लाए जनाब। इस वक्त उन्हें मौत खींच कर ला रही है। आखिर तुम अपनी जगह छोड़ कैसे सकते हो, कैसे? तेज तेज चलो और तेज। उनकी आग तो हमें चला ना पाई, इसलिए अब हम दुश्मन पे अपनी आग बरसाकर मनाएंगे। यौम आतिश। मलिक सलाउद्दीन आए हैं जनाब। अमीर खैरियत है ना? तुम लोगों ने अपनी जगह क्यों छोड़ी शहनशाह? जानते हो वो तुम्हें आग के तूफान में झोंक देगा। मैंने तुरंशा को रोका था लेकिन वो नहीं रुका। दुश्मन के नरगे में उसे अकेला जाते देखकर मैं कैसे रुक सकता था? तुरंशा? हाँ। उसे हुक्म उधूली की पूरी सजा मिलेगी। ये ऐलान किया जाता है कि फौरन हर एक पटवार चलाने वाला अपना रुख पलट ले, हम वापस जा रहे हैं। जल्दी करें, जल्दी जल्दी करो, जल्दी और तेज चलाओ पटवार। सलाउद्दीन पर वक्त पहुंच गया हुजूर, हमारे हाथ से यौमे आतिश मनाने का मौका निकल गया। नहीं, वो मेरे पंजों में है और वो बुरी तरह फंस चुके हैं। इशारा दिया जाए। तीरंदाजों को तैयार होने का हुक्म दो।
की रफ्तार हल्की है, ऐसा लगता है हम घिर गए हैं। अमित तुम्हें कुछ अंदाजा भी है ये तुम क्या कर रहे हो अयूब? हमने रजाई माँ की बात राज रखी थी ताकि ये शोशा सदा के लिए दफन हो जाए। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है अगर ये बात बाहर निकल गई खानदान में जंग हो जाएगी, जंग हो जाएगी। ऐसे वक्त में जब मकसद पाने के बहुत करीब है हम, ये रवैया एक कमजोरी है। अगर उसकी अहमियत थी इतनी, इस तरह से आग में क्यों झोंक दिया उसे? सलाहुद्दीन ने हुक्म नहीं माना अस्कलान में, और उसके साथ शहंशाह और तुरंतशाह भी हैं। उसे जाने से रोका क्यों नहीं आपने? क्या करता? जंजीर पहना देता उसे। तुम जानते हो वो वही करता है जो उसके दिल में आए, किसी की नहीं सुनता वो। मैंने अपना बेटा आपको इसलिए दिया था ताकि वो रियासत की बुनियाद बने, एक मकसद अजीम के लिए, यरूशलेम के लिए। मेरा इरादा और अहद अब भी वही है अय्यूब। तो अस्कलान क्यों नहीं गए सलाहुद्दीन के साथ? हमारी फौज उसके साथ क्यों नहीं? आपने तो उन्हें अकेला छोड़ दिया आग के जलते हुए अलाव में आका। और फिर ये होगा ना कि जो ही सलाहुद्दीन जंग से वापस लौटेगा उसे सजा मिलेगी। वो सब कुछ दांव पर लगा कर गया है। अगर अस्कलान में सलाहुद्दीन या उसके भाइयों को कुछ हुआ और अगर सल्तनत ने सलाहुद्दीन को सजा देने की कोशिश की तो ये राज कि सलाहुद्दीन मेरा बेटा है ये बात सब जान लेंगे। देना पड़ेगा अमीर सलाहुद्दीन, वरना यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। जवाबी कार्रवाई होगी लेकिन इस वक्त नहीं शहंशाह। अगर इस वक्त नहीं दिया तो फिर कभी नहीं। शहंशाह भी नहीं, शहंशाह जला दिया जाएगा और ये वार ऐसा होगा कि तेरी राख भी ना मिलेगी कहीं सलाहुद्दीन। कुछ अंदाजा नहीं कि वापसी कब होगी अम्मा,
इसलिए उमर को आपने संभालना है। जानती हूं जो गुजरती है दिल पर, जब अपनी औलाद से जुदा हो रहे होते हैं मां बाप। सो मैं तुझे सौंप रही हूं एक और बेटे की जिम्मेदारी। मरा नहीं शहंशाह, जिनके साथ जा रहे हो मलिक सलाउद्दीन, हाँ वो तेरा सगा भाई है। क्या वक्त आएगा तो जान जाओगे, मेरी औलाद में तू ही तो वो है जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा है। अपने छोटे भाई के लिए अपने दिलो जान वक्फ कर देना, अपने होंठ सी लेना, क्योंकि ये रास तुम्हारे साथ कब्र में जाएगा। मैं तुम्हें इस भड़कती हुई आग से निकाल कर ले जाऊंगा मेरे भाई। शायद हम इस आग से बचकर निकल ना पाए, लेकिन वो आग जो मुझ में सालों से लगी है आज बुझा दूंगा। आपकी बारिश आपके इशारे की मुंतजिर है।
तुम्हें निकाल लूंगा यहां से। हाथ थामो मेरा, उठो। शाबाश, समझ गया। सलाहुद्दीन रियासती फैसले के खिलाफ अस्कलान जा पहुंचा है। वो ये कैसे कर सकता है भाई? यकीनन ये उसका अपना फैसला है। उसकी वजह से मुसीबत में ना पड़ जाएंगे। कीमत किसको भरनी पड़ेगी? अगर इसकी कोई कीमत हुई तो मैं भरूंगा, अगर किसी का हिसाब लेना हुआ तो मैं लूंगा। सलाहुद्दीन को हुक्म अदूली की सजा जरूर मिलेगी। तुम इस मामले को तूल मत दो नसीरुद्दीन। सलाहुद्दीन ने यह जुर्रत इसलिए की है कि उसे किसी ने शह दी है, और ये शय आपने दी है। उसे नाजायज लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। अपनी हद में रहो नसीरुद्दीन, हद बेअदाब। इसलिए कि तुम्हारा बड़ा भाई भी हूं, और इसलिए कि तुम्हारा सुल्तान भी। तुम्हारी जुर्रत के तुम इस लहजे में मुझसे बात करो। ये मुमलिकत हमारे वालिद का ख्वाब है, और मैं इस मुमलिकत का एक शहजादा हूं। इसलिए अगर कोई मामला उलझ जाए तो सवाल का पूरा हक है मुझे। तुम भी मेरे वालिद की औलाद हो, तुम्हें अब याद आया है। तुम मेरे भाई हो, इसलिए तुम्हें जमीन अता की। इस महल में तुम्हारी नाफरमानियों के बावजूद तुम्हें रहने की इजाजत दी। तुमने सब भुला दिया। अगर तुम आज भी जिंदा घूम रहे हो तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है बस। हमारी रगों में खून दौड़ रहा है एक ही। याद रहे आइंदा मेरे लिए या मेरे बेटे के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कभी ना करना। तीर चलाओ। सलाहुद्दीन का निशान तक नहीं मिलेगा, मछलियां खा जाएंगी। अब बारी आती है अस्कलान की। हमारे जहाजों की अगली मंजिल अस्कलान है। सलाहुद्दीन की कोई खबर मिली? मुहासरा उसी तरह चल रहा है सुल्तान। कोई खबर नहीं मिली अब तक। पूछ सकता हूं कहां जा रहे हैं आप? मैं हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता। रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। अगर तुम आज तक जिंदा हो तो उसकी एक ही वजह है। ये ख्याली सल्तनत सलाहुद्दीन को क्या संभालेगी? उसने तो रियासती हुक्म मानना जरूरी न जाना।
उसके पीछे नूरुद्दीन है, और हो भी कौन सकता है। लेकिन नूरुद्दीन से सच जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हालात ऐसे कभी ना होते हमारे अगर आप भी वही रवैया रखते। अस्तुद्दीन। क्या अम्मा, हम भी तो इस खानदान के हैं, लेकिन क्या हमें कोई फायदा है अपनी इस हैसियत का? कोई फर्क है हम में और खादिमों में? बदतमीज। नहीं नसीरुद्दीन, नहीं। तुमने सुनी इसकी बात? अस्तुद्दीन, हद में रहा करो अपनी। याद रखो, ताज और तख्त तो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। हम इस महल में इसलिए रहते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत की जाए। जान लो अपनी कीमत, और तुम्हारे बाबा जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन ने सल्तनत का खाना खराब कर रखा है। उनकी गलतियां हम पर भारी पड़ सकती हैं। लगता नहीं मुश्किल है हुक्मरानी करना सुल्तान नूरुद्दीन के लिए। अब आपको लगाम अपने हाथ में लेनी है। दुनिया को मालूम हो जाए कि सल्तनत के वारिसों में हैं हम लोग। आंखें खोले जल्दी। कैसे नहीं, ये डूब गए थे, इनके फेफड़ों में पानी भर चुका है। यामीर आंखें खोले अपनी, हमें जल्दी करनी होगी, यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। यामीर जल्दी अपनी आंखें खोले, जल्दी। जल्दी कीजिए, जल्दी। शुक्र है खुदा का, खुदा का शुक्र है। शहर में कतलेआम चल रहा है, आप भी निकल जाइए सुरैया खातून। जल्दी चलो, जल्दी, शहर के हालात बहुत ही खराब हो गए हैं, हम तो बर्बाद हो गए हैं, जल्दी चलो। हम बर्बाद हो गए बाबा, शहंशाह, शहंशाह कहाँ है? दुरान शाह उन्हें दूसरी तरफ ले गए, हमें यहां से फौरन निकलना होगा। हमें सलीबी फौजी किसी वक्त भी पहुंचते होंगे। अस्कलान, अस्कलान का क्या हुआ? तो न जाने कितनों को मार डाला होगा। एक भी सलीबी को जिंदा ना जाने देंगे यहाँ से। बहुत शुद्गान को भूल जाओ, जो जिंदा है वो याद रखे, उन्हें आखिरी सांस तक लड़ना है। हम राह फरार इख्तियार करें। एक शहीद की तरह जीने का इरादा है मेरा,
ना कि एक भगोड़े की तरह। दूसरों की जिंदगियां भी दांव पर लगी हुई है, बाबा बुरी तरह जख्मी है और हमारे लोगों की ये हालत। अगर हम अभी यहाँ से फरार ना हो कितनी जाने और जाएंगी। और सही वक्त आने पर हम उनसे अपना वतन छीन लेंगे। आइए चले। खलील, उन्होंने कब्जा कर लिया। मुझे इतना गम ना होता अगर जंग में मारा जाता मैं, जो गम इस वक्त मुस्लिम सरजमीन पर ये झंडे पहुंचाने पर तुले। असली जंग ने तो अब छिड़ना है, या अस्कलान छीन लेंगे या मौत से गले मिलेंगे। तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। तेरी जान ले लूंगा अपने इन हाथों से मैं, और तेरी लाश को शहर की फसील से लटका दूंगा। तुम में से कितने लोग जिंदा हैं? और वो तेरा सलाहुद्दीन कहाँ है? समंदर की तह में।
तुम्हें उस पर भरोसा करने की सजा तो मिलनी ही चाहिए। हमें किसी की जरूरत नहीं, कमजोर नहीं है हम। इजाजत दीजिए अगली मुलाकात तक, ले जाइए इसको। नाज उठाने इनके। सलाहुद्दीन मर गया क्या? अभी मालूम नहीं, मैंने अपने सरदार चारों तरफ रवाना कर दिए हैं, आप फिक्र मत करें। अगर वो मर चुका है, अस्कलानियों पर हमारी फतह की अलामत है, और अगर जिंदा है तो शिकस्त की शर्मिंदगी में डूबा हाथ पैर चला रहा है। आज से तेरी रुसवाई शुरू। तुम हो बाबा, मौत के दरवाजे पर है, कैदी बना लिया गया खलील, चार तरफ आहो फुका है। देख लिया ना उस अस्कलान का हाल जिसको बचाने का दावा था। ये मिला है नतीजा तुम्हारी मंसूबाबंदी का। मैंने कहा था ना समंदरी दिफा मेरे सिपाहियों को करने दो, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। हमने अपना 500 साल पुराना वतन तुम्हारी वजह से गंवा दिया। पर एतबार किया, लेकिन हम लोगों से गलती हो गई बड़ी। अपने बाप को ये खुशखबरी सुना देना कि अस्कलान को तुम्हारी वजह से शिकस्त हुई। जश्न मनाओ, जाके हमारी बर्बादी पे दावतें उड़ाओ। शहंशाह मेरे भाई। मेरे भाई शहंशाह, इसकी हालत नाजुक है, जख्म गहरा है, ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास। मुझे तो शहादत का जाम पीना है मेरे आका। अभी नहीं, जिंदा रहना, अभी जिंदा रहना। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत से काम। साथ ही देखा था ना अल-कुद्स की फतह का ख्वाब, ख्वाब मुकम्मल न रहेगा तुम्हारे बगैर। जिंदा जिंदा रहना है शहंशाह। हमारा होगा अमीर, इस पर यकीन है, मौका है मुझे। मैं ना देख पाया लेकिन मेरा उम्र देखेगा जरूर। उसकी जिम्मेदारी आपको सौंपता हूं।
सदा वफा करना मकसद से। और मेरे उम्र से शायद हम इस आग से बचकर निकल ना पाए, लेकिन वो आग जो मुझ में सारों से लगी है आज बुझा दूंगा। तुमने अंदर की किस आग को बुझाने की बात की थी? वो आग मुझे दे दो, मैं उसे बुझा दूंगा। शहंशाह, अपने छोटे भाई के लिए अपने दिलो जान वक्फ कर देना, अपने होंठ सी लेना, क्योंकि ये राज तुम्हारे साथ कब्र में जाएगा। ये आग पूछेगी, लेकिन एक और आग भड़क उठेगी। एक शहादत काफी है इसे बुझाने को। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद अब्दुहु व रसूलु। शहंशाह, शहंशाह, नहीं मेरे भाई, परेशानियों में कुछ कमी जरूर वाकई हुई होगी मेरे सुल्तान। जब तक अस्कलान का फैसला नहीं हो जाता तब तक ये मुमकिन नहीं। सलाहुद्दीन वहां फंस चुका है, क्या ये मसला नहीं है? सोचो, और अगर सलाहुद्दीन सही सलामत यहां पहुंच जाए तब भी मसला है। मलिक सलाहुद्दीन को तलवार चलाना सिखाई है मैंने, बेहतरीन तलवारबाज है। कुछ तलवारों की दो धारें होती है, सलाहुद्दीन भी एक ऐसी ही तलवार है, दो तरफ वार करने वाली। यही बात है जो मुझे तंग कर रही है शिर। तो अपने कुत्ते की राह देख रहा था जो शिकार लेने गया है बाल्डविन, लेकिन तुम आ गए। एक शिकारी खुद शिकार बन चुका, अफसोस। सुल्तान नूरुद्दीन, अस्कलान फतह किया जा चुका। का बेटा उनकी मदद को गया, बुरी तरह नाकाम हो गया बेचारा, अब तक मछलियों की खुराक बन चुका होगा। ओ रसील, उसके कातिलों से तो बाद में निपटूंगा, लेकिन पहले मेरी तलवार तेरा ये सर काटेगी। सुल्तान,
जिंदा तो है मगर जो शिकस्त उसने खाई है वो मौत से भी बदतर है, और ये शिकस्त उसके साथ तुम्हारी भी है नूरुद्दीन। चंद रोज की सुल्तानी पे ये भरम, यरूशलेम जैसी अजीम सल्तनत की बराबरी कर लोगे? सलाहुद्दीन वहां अपनी मर्जी से गया था बाल्डविन, मेरी फौज अगर मेरे साथ होती तो मुझसे यूं गुफ्तगू ना करते, और ये इसलिए कि हम में समझौता है। समझौता खत्म हो चुका, तुम्हारे बेटे ने जो कुछ किया उसके जिम्मेदार तुम भी हो, इसीलिए मेरे फौजियों ने हाजियों के रास्तों पे मोर्चे लगा लिए हैं। अगर हाजियों के लहू का एक कतरा भी तुमने बहाया, कसम है मुझे तुम्हारे खून के समंदर बह जाएंगे। मैंने बहुत खून देखा है, अब हज के रास्तों पे खून बहता है या नहीं इसका इन्हिसार तुम पर है जंगी, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी हुक्म अदूली की, इसलिए उसे सजा दो ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे, और तुम दोबारा अस्कलान की तरफ आंख उठाकर भी ना देखोगे, वरना हज के रास्ते घेरे हुए मेरी कातिल फौज हाजियों का कत्ले आम करेगी, और इसके जिम्मेदार तुम होगे सुल्तान नूरुद्दीन। दमिश्क जाने की तैयारी करो। मैं अपने भाई का इंतकाम लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा अमीर। बहुत जानी नुकसान हो चुका है, हम इस हाल में हमला नहीं कर सकते, पहले हमें अपनी कुव्वत मुश्तबा करनी होगी। क्या आप चाहते हैं ये बच्चे कुचे भी मारे जाए? नियाम कर ले अपनी तलवार। क्या गले में शिकस्त का हार पहन के दाखिल होंगे अपने वतन में? शहंशाह की मैया तभी तक गर्म है, इतनी जल्दी अपने दोस्त का इंतकाम लेना भूल गए? चले जाओ यहाँ से, मैं अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करूंगा। शहंशाह की जिंदगी तुम्हारी वजह से गई, अगर तुम अमीर की खुली नाफरमानी ना करते ना अस्कलान जाता ना ही शहंशाह अपनी जान गंवाता। पार्स, अब क्या जोश दिखा रहे हो अपने भाई के लिए? पार्स, मैंने वो किया जो ठीक लगा मुझे, और अब जो ठीक लग रहा है मुझे वो ये है कि अपने भाई का इंतकाम लेना है। पार्स, शहंशाह हम सबका भाई था, इसलिए पहले हमें उसके फर्ज से फारिग होना है, उसके बाद अपने फर्ज से रुजू करेंगे। अब की बार हमारी मंडियां बहुत गर्म है जनाब ज़ीवक़ा, इस साल न सिर्फ ताजर समरकंद से बल्कि कुस्तुनतुनिया से भी आए। मंडियां इस वक्त गर्म है ना अमीर अय्यूब, अस्कलान की वजह से देखना कितनी जल्दी सर्द पड़ जाएंगी। तुम्हारे बेटे भी तो अस्कलान गए थे, दौरान शाह और शहनशाह, उन्होंने दीवान के फैसले की हतक की है, जानते हो वो अपने इस अमल के लिए जवाबदेह होंगे। वहाँ जाने का फैसला मलिक सलाहुद्दीन का था, वो उन्हें अकेले किस तरह जाने दे सकते थे अमीर ज़ीवक़ार? दीवान का फैसला हर एक के फैसले से बुलंद होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं अमीर अय्यूब, अगर आप अपने बेटों को लगाम डालते मुमकिन है मलिक सलाहुद्दीन अपने फैसले से बाज रहते। अमीर सलाहुद्दीन ने रियासती फैसले के खिलाफ कुछ भी तो नहीं किया है अभी तक, इसीलिए हम उन पर भरोसा करते हैं। तुम अमीर सलाहुद्दीन का दिफा बिल्कुल अपने बेटों की तरह कर रहे हो, सलाहुद्दीन के लिए ये मोहब्बत कहां से आई तुम में? अमीर ज़ीवक़ार, अभी अभी खबर आई है, अस्कलान ले लिया सलीबियों ने। और मेरे बेटे? कोई इत्तला नहीं है उनकी, जबकि बहुत लोग मारे गए हैं। सलाहुद्दीन मगर वहां से जिंदा निकल आए। मलिक सलाहुद्दीन ने न सिर्फ दीवान की हतक की बल्कि शिकस्त खाई और हमें आग के भड़कते अलाव में फेंक दिया, उसे एक भारी कीमत चुकानी होगी। दीवान के फैसले की नाफरमानी की सजा फांसी है, हमारे सुल्तान ही इस फैसले पर मोहर लगाएंगे, और वो एक मुंसिफ हैं।
लेकिन मामला उनके बेटे का है, इसलिए मुमकिन है ऐसा ना हो। रियासत के आगे बेटों की कोई हैसियत नहीं। देखते हैं सुल्तान के लिए रियासत की अहमियत है या बेटे को तरजीह देते हैं वो। और शहंशाह कहाँ है? वो आए नहीं वापस। अस्कलान गए हैं ना वो लोग बाबा। अस्कलान ले लिया गया है कब का? शहादतें हो गई बेशुमार। वकार, शहंशाह कहाँ है? तुम्हारा भाई शहंशाह कहाँ है? फौरन हासिल करो।
जहाँ कहीं भी हो। जो हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, अस्कलान से ये खबर मौसूल हुई। इस वक्त नहीं नसीरुद्दीन। यही तो वक्त है मेरे सुल्तान। मैंने आपको कई बार खबरदार किया था कि यह मामला हमारे लिए मुश्किलात का बाइस होगा। शाह बाल्डविन ने हज के रास्तों पर फौज तैनात कर दी है अपनी। उसे काबू कैसे किया जाएगा? हमारी सल्तनत जो इतनी कुर्बानियों के बाद वजूद में आई है, क्या इस तरह रुसवा न हो जाएगी? हाँ तो क्यों ना इसके लिए ठंडे दिलो दिमाग से सोचा जाए। इस तरह आपस की रस्सा कशी किसी तरह भी मुनासिब नहीं। रस्सा कशी का आगाज करने वाला मलिक सलाहुद्दीन ही तो है। ये अंजाम उसी के मनचलेपन का ही तो है। मेरे सुल्तान, इंसाफ कीजिए। अब दीवान की मजलिस बुलवाइए ताकि सलाहुद्दीन पर मुकदमा चले। भतीजे, मेरे शेर शहंशाह, आपने तलवार दी थी इसको, आपने इसकी तरबियत की और सरहदी गाजी बनाया। कुछ कम नस्लों की वजह से ये तलवार टूट गई। अगर तेरा बदला ना ले सकूं तो अपनी तलवार से मारा जाऊं। सरहदी गाजियों ने कभी किसी मैदान में शिकस्त नहीं उठाई। क्या वो अस्कलानी थे जिनकी वजह से शिकस्त हुई? जंग के हिकमत अमली बनाने वाले अमीर सलाहुद्दीन थे। हमने उनकी अतात की। मगर शिकस्त की वजह अमीर के अहकामात की खिलाफ वर्जी थी। तुरानशाह, हम सबको खूब अच्छी तरह मालूम है कि शहंशाह की शहादत का सबब क्या है। अहमद, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अल्फाज वापस है। मेरे बेटे की मैयत अभी दफनाई भी नहीं गई और तुम यहाँ खड़े इस वक्त इस पर उलझ रहे हो कौन सही है कौन गलत? क्या हो गया है तुम्हें? आपके बेटे का अफसोस हुआ। अमीर सलाहुद्दीन, सुल्तान नूरुद्दीन ने आपको मजलिसे दीवान में बुलवाया है। मलिक सलाहुद्दीन महल आए कि नहीं? अभी तक तो नहीं मलिका खातून। अफसोस, मलिक सलाहुद्दीन ने अस्कलान की खातिर रियासत आग में झोंक दी। बहुत आग देख चुके हैं हम लोग, सो फैलने से कबल बुझा दी जाएगी। परेशान मत हो। मगर इस बार आग बुझाने वाले हाथ खुद ही सोखता है मलिका खातून। मैं समझी नहीं। सलीबियों ने सलाहुद्दीन की वजह से हज के रास्तों की मोर्चाबंदी कर दी और सुल्तान नूरुद्दीन ने रास्ते महफूज बनाने थे। अब आप खुद ही देखें अमीर सलाहुद्दीन की लगाई हुई आग सुल्तान नूरुद्दीन के दामन तक पहुंच चुकी। इस आग में बहुत लोग जलकर राख हो सकते हैं। सोचिए। वाह वाह, अगर तारीख में कोई जंगी खानदान का नाम रोशन करेगा तो वो तुम होगे सलाहुद्दीन, क्योंकि जो जिल्लत तुमने दी है वो कभी किसी ने नहीं दी हमें। आज मजलिसे दीवान में तुम्हारा फैसला हो जाएगा। हो सकता है तुम्हें हाजियों के काफलों के साथ रवाना कर दिया जाए।
जंग एक बहुत मुश्किल खेल है, हर कोई नहीं समझता स्तुति। अगर किसी दिन तुम अपनी माँ की आगोश से निकलकर मैदान जंग में जाओ तो शायद थोड़ा बहुत समझ में आए तुम्हारी। ही तो था, वो अपने उम्र को जवान होते नहीं देख पाएगा। पाली उसने शहादत, इसी का तो इंतजार था उसको। लेकिन दुख ये है कि जिसके बाजुओं में उसका दम निकला वो सलाहुद्दीन, उसका अपना सगा भाई है। शहंशाह जंग के मैदान में शहीद हुआ है, वो मेरी आंखों में आंसू है, दिल मगरूर है बहुत। हमारा सलाउद्दीन, उस पर नाफरमानी का मुकदमा चलेगा, सुल्तान ही फैसला करेंगे, लेकिन वो भी शायद कुछ ना कर सके और बेबस हो जाए। उसे घेर लिया है उन्होंने चारों तरफ से, अगर दीवान ने उसे मौत की सजा दे दी तो क्या रुतबा मिल पाएगा उसे शहीद का? तुम कभी ना कह पाओगे कि उसने एक नेक मकसद के लिए जान निसार की है। तो क्या मैंने अपना बेटा इसलिए उनके सुपुर्द किया कि मारते? सलाउद्दीन को तो जारी रखना था मकसद को, उसकी जिंदगी तो वक्त थी उस रास्ते के लिए। तदफीन की तैयारी हो गई बाबा। ठहर जाओ। क्यों बाबा? इसलिए कि मुझे एक जरूरी मसला निपटाना है। मैं सुल्तान से कह चुका कि उन्हें इस तरह से कुर्बान नहीं करने दूंगा एक सजा पर अपना बेटा। वक्त आ गया है कि राज अफशा कर दिया जाए। हम बता देंगे, सलाहुद्दीन हम दोनों के जिगर का टुकड़ा है। अगर उन्हें जान लेनी है तो जान ले कि सय्यूब का पूरा खानदान जान देने को तैयार है। क्या एक शिकस्त के लिए तुम्हें रियासत की नाफरमानी मुनासिब लगी मलिक सलाहुद्दीन? मुझे अब तक कोई शिकस्त नहीं हुई मेरे सुल्तान। जब तक मुझे इस मजलिस से दीवान में रोका जाएगा तब तक अस्कलान उन्हीं के पास रहेगा। मुजाहिदीन को जमा करने की इजाजत पर अमल फरमाइए। पहले आपको उसकी सजा मिलेगी जो आपने किया मलिक सलाहुद्दीन। आप फिर कभी मजलिस ऐवान के फैसलों से लापरवाही ना बरतेंगे
रियासत की बुनियाद वही है जो मैंने किया, और जिसकी मैंने परवाह ना की वो था दुश्मन का खतरा। हमारे लिए दुश्मन का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। अगर अस्कलान से दूर रहते आप, हज के रास्तों का मसला यूं संगीनी इख्तियार ना करता और शाह बाल्डविन की फौज हज के रास्तों की मोर्चाबंदी ना करती। मलिक नसरुद्दीन ठीक कहते हैं मेरे सुल्तान। खलीफा मक्तफी ये फरीजा तफवीज करने वाले बजाते खुद है मेरे सुल्तान, आपकी तो इज्जत दांव पर लग गई। बाल्डविन जानबूझकर धमकियों से हमें उकसा रहा है। ये जो कुछ है लाहासिल है, हाजी और अस्कलान को बचाने पर बहस क्यों नहीं हो रही यहाँ? तैयारी करने के बजाय हम यहाँ महज बातें कर रहे हैं। अगर हमने कोई हरकत की तो शाह बाल्डविन, त्रिराबलस का नवाब, अंताकिया की फौज सब मिलकर हम पर टूट पड़ेंगे। उन सब से लड़ने की ताकत रखती है क्या हमारी फौज? मेरे सुल्तान, अदलो इंसाफ को मद्देनजर रख के ऐसा फैसला सादिर फरमाइए जो रियासत की इज्जत बहाल करे, बाल्डविन और हमारे बीच अम की सूरत हाल ठीक कर दे। तुम्हारा तो भतीजा शहीद हुआ है ना शिरकू, तुम बताओ मेरा भतीजा एक गलती पर कुर्बान हो गया। दुरुस्त, मैदान जिहाद में तो शहादत होती है, लेकिन ये मेरा खानदानी नहीं रियासत का मामला है, इसीलिए जो सजा तजवीज की जाए वो रियासती उसूलों पर हो। और इस रियासत के उसूल कभी टूट नहीं सकते, इसलिए अपने ही शहजादे को सजा सुना देना मुश्किल होगा। इस वक्त हम इज्तिमाई तौर पर सलीबी फितने से छुटकारा पाने की सोच रहे हैं, और आप सिर्फ एक फर्द की बात कर रहे हैं। इंसाफ एक सा है सबके लिए, चाहे कोई गडरिया या इस सल्तनत का शहजादा ही क्यों ना हो। जबकि मामला इंतहाई संजीदा यानी मजलिस दीवान की नाफरमानी का है, इसलिए कतई कोई इम्तियाज न बरता जाए। अनगिनत लोग इस मुमलिकत के साए तले आबाद हैं, हमारी कौम का सर शर्म से झुक जाएगा अगर आपके इंसाफ का पलड़ा बकाए नस्ल और जानशीन की तरफ झुक गया। लिहाजा वही हो जो होना चाहिए, इसलिए अमीर सलाहुद्दीन का फैसला अजरूए इंसाफ किया जाए। हमें सुल्तान से मिलना है इमाद। सुल्तान इस वक्त मजलिस में है। मैं हाकिम दमिश्क की हैसियत से मजलिस में शामिल हो सकता हूँ। मजलिस दीवान का आगाज हो चुका है, दखल देना मुनासिब ना लगेगा जनाब अली। उसूलों से वाकिफ हूँ अच्छी तरह। अगर मामला खास नौयत का ना होता तो यहाँ कभी ना आता। जो मुझे कहना है मजलिस दीवान में ही कहना है। बेशक जुर्म संगीन है, दिफा में कुछ कहना है मलिक सलाहुद्दीन? मैंने जो कुछ किया अपनी रियासत के लिए किया, अपने लिए नहीं। अस्कलान वो दरवाजा है जिससे दाखिल होगा सलीबी फितना आलम इस्लाम में, और उन्हें रोकने की जिम्मेदारी मैंने अपने बाजुओं पर उठा ली है। गो नतीजा बरखिलाफ हुआ, लेकिन मैंने अपनी रियासत के उसूल नहीं तोड़े, और मुझे इस बगावत का इल्जाम हरगिज कबूल नहीं। अदालत जुर्म का फैसला सुनाती है, ख्यालात पर फैसला नहीं सुनाती, और फैसला यह है कि रियासत और ये मुमलिकत कोई कीमत ना चुकाएगी। कीमत वो चुकाएंगे जिन्होंने रियासत खतरे में डाल दी। माह
चाहे ज़िलहश करीब है मेरे सुल्तान, तुर्किस्तान से, अनातोलिया से, बगदाद से, खुरासान से एक हजूम मुसलमानों का रास्ते पर निकल आएगा और उन सब की जिंदगियां सुल्तान की जिम्मेदारी हैं। शाह बाल्डविन ने हज के रास्तों पर अपनी फौज फैला दी है। जो इसके जिम्मेदार हैं उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए और बाल्डविन उसको इल्म हो जाए हमारी नीयत अच्छी है। सो वो हज के रास्ते से अपनी पूरी सिपा हटा लेगा, वरना बहुत खून बह जाएगा। एक शहजादे के लिए इतना सख्त रवैया अख्तियार नहीं किया जा सकता अमीर रेहानी। अच्छा, ये जुल्म अगर एक आम आदमी सरजद करता तो क्या कहते आप? क्या सजा तजवीज करते वजीर इज्जत जाह? तो आप क्या चाहते हैं अमीर रेहानी, साफ साफ बताइए। ये कि उसे उसके जुर्म की करार वाकई सजा दी जाए। सुल्तानेआनी, अब आप फैसला सुना दीजिए। मलिक सलाहुद्दीन, कुछ और कहना है तुम्हें अपने दिफा में? आप सरहदी दस्ते आगाज ही से सलीबी फितने के खिलाफ मुनज्जम होकर मसरूफ जंग है। उनका फर्ज कहता है कि उन्हें लड़ना है सलीबियों से ताकि उन्हें मुसलमान इलाकों से निकालकर बाहर फेंक दें। कभी कभी रियासतें सियासत की मजबूरी में पड़ जाती हैं, मगर हमें तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं मेरे सुल्तान। मैंने तो वो किया है जो तारीख ने मुझे सिखाया है। एक दफा आप ही ने दादा इमादुद्दीन जंगी के खिलाफ जाके क्या इसी तरह से ऐसी एक जिम्मेदारी ना उठाई थी? अगर आप वो ना करते तो क्या आज यहां के सुल्तान होते मेरे सुल्तान? और आप जो वजीर हैं, शहजादे हैं, सालार हैं, रियासत के लिए आप लोगों ने कभी कुछ नहीं किया? हमें सियासी अफरा तफरी कहीं भुला ना दें कि किस राह से मंजिल आनी है। ये मुमलिकत इस तरह कैसे कायम रहेगी? जो करना चाहिए था, पशेमानी बिल्कुल नहीं। एक इल्तिजा है मेरी, अस्कलान सलेबियों के जंगल से वापस छीनना है हमें। आज यहां अपनी रियासत के लिए मजबूत सोच रखने पर मुझे अगर सजाए मौत दी जा रही है तो और कुछ कहना बेकार होगा। आओ। मलिक सलाहुद्दीन पर मुकदमा चल रहा है।
तो मेरे दिल ने कहा कि खामोशी मुनासिब नहीं। ये बंदा आज यहां एक देरीना राज अफशा करने आया है। वो सब कुछ दांव पर लगा कर गया है। अगर अस्कलान ने सलाहुद्दीन या उसके भाइयों को कुछ हुआ या सल्तनत ने सलाहुद्दीन को सजा देने की कोशिश की तो ये राज कि सलाहुद्दीन मेरा बेटा है सब जान लेंगे। और वो राज क्या है? मलिक सलाहुद्दीन का एक राज, बहुत गहरी सच्चाई। और वो सच्चाई जाहिर हो जाए तो शायद सलाहुद्दीन को मौत से बचा ले। मलिक सलाहुद्दीन को अब कोई भी सच्चाई बचा नहीं सकती। क्यों कर नहीं? सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन का नहीं बल्कि मेरा बेटा है। मलिक सलाहुद्दीन को अब कोई भी सच्चाई बचा नहीं सकती। क्यों कर नहीं? सलाहुद्दीन इस शिकस्त का तन्हा जिम्मेदार नहीं। मेरे बेटे तुरान शाह ने भी कमजोरी दिखाई। अमीर, एक बाप अपने बेटे को खुद ही मौत के मुंह में धकेल रहा है। और कोई बात करनी है आपको? बात कहनी है बस, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। जो कुछ आप कह रहे हैं उसकी कतई कोई अहमियत नहीं है अमीर अय्यूब। मलिक सलाहुद्दीन यहां शिकस्त की वजह से नहीं, बगावत की है इन्होंने रियासत से, मजलिसे दीवान का मजाक उड़ाया है इन्होंने। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी इन्हीं पर है, लिहाजा इनका ओहदा और मराद फौरन छीन लिए जाए और तलवार भी जब्त कर ली जाए। फैसला ये है। मलिक सलाहुद्दीन आज से
सरहद गाजी दस्तों के मरकज में नहीं रहेंगे, बल्कि वो यहीं दमिश्क में रहेंगे। इनके ओहदे और मराहत और तलवार का छीन लिया जाना कोई जरूरी नहीं। मेरे सुल्तान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मार्कों में गुजारी है सरहदी दस्ते के साथ। इस वक्त जब अस्कलान को मेरी जरूरत है, आप मुझे यहां हाथ पैर बांधकर कैद कर रहे हैं। यहां आपके इरादे कैद किए जा रहे हैं सलाहुद्दीन। आइंदा आपको अपनी मर्जी से कदम उठाने की मतलकन इजाजत नहीं। यानी कोई इख्तियार नहीं होगा मुझे? हाँ, रियासत की फौजी खिदमत लाजमी है, और ये खिदमत आप बहैसियत अमीर करें या एक मामूली सिपाही की तरह, फर्क नहीं कोई। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सलेबी हर तरफ है, चप्पे चप्पे पर काबिज हैं। हमारी मुट्ठी भर सिपाह उनसे मुकाबले की ताकत नहीं रखती। मैं सुल्तान नूरुद्दीन के पास जाऊंगी, उनसे दरखास्त करूंगी फौज भेजने की। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या हमने अपना वतन उसके बेटे की वजह से नहीं खोया, और तुम जाओगी उससे भीख मांगने? उनसे भीख नहीं मांगूंगी मैं, उन्हें मदावे का कहूंगी गलती का एहसास दिला के, और उन्हें हर सूरत फौज भेजनी पड़ेगी। जब अस्कलान को शदीद जरूरत थी तब तो उन्होंने फौज नहीं भेजी, अब क्यों भेजेंगे सुरैया खातून? अगर वो फौज नहीं भेजते तो उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नादान समझ रखा है क्या मुझे? सरहदी दस्ते से हटाकर दमिश्क में रख लिया, अब एकामात देगा नहीं बल्कि लेगा। क्या ये सजा है कोई? सुल्तान को उससे इस्तीफा लेना चाहिए था अमीर, उसे ना अहल ठहराना था सरकारी नौकरी के लिए। जी हाँ, यही राय है इस खादिम की भी, लेकिन क्या कर सकते हैं सुल्तान के फैसले के खिलाफ? खिलौना बनकर रह गई ये मुमलिकत एक उन दोनों के हाथों में। जब तक सलाहुद्दीन को करार वाकई सजा नहीं मिलती, हम चैन से ना बैठेंगे उस वक्त तक। वो तो मुस्तकिल अस्कलान को सलीबियों के लिए जंग करने के मंसूबे बना रहा है। मुझे डर है हमें इस जंग के अंदर झोंक कर ही दम लेंगे सलाहुद्दीन। लेकिन वो कामयाब ना होगा, क्योंकि मैं उस पर नजर रखूंगा। अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया, संगीन सजा का हकदार होगा। अपने जज्बात पर खूब काबू रखा। हमारा एक बेटा शहीद हो गया, कब्र तैयार है उसकी। आप चाहते हैं हम अपना एक और बेटा दफन कर दें? सलाहुद्दीन इस वक्त मौत के दहाने पर है, एक ही सूरत है, राज फाश कर दें। इस तरह हमारा बेटा सजाए मौत से बच जाएगा,
सलाउद्दीन के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अल्लाह जानता है बखूबी। वो रास्ता मुश्किल है, लेकिन गैब से उसकी मदद की जा रही है। क्या तुम्हें उस मकसद पर यकीन न रहा या उस गैबी इमदाद पर? अगर तो तुम्हें रास्ते पर यकीन नहीं रहा तो जान लो रास्ता अल्लाह की तरफ से है, और अगर तुम्हें गैबी इमदाद पर यकीन नहीं रहा तो याद रहे सलाउद्दीन को जिनकी मदद हासिल है रास्ता तो दरअसल उन्हीं का है। रासवाश नहीं किया हमने, आपने वही किया जिसकी उम्मीद थी, इसलिए कि आप भी उसी रास्ते पर गामजन हैं। लेकिन सलाउद्दीन को लगता है कि यह सजा सख्त है, इसलिए अल्लाह से मेरी दुआ है वो फिर किसी मुश्किल में न फंस जाए। शोले भड़कते रहें, लेकिन एक पुरअज़्म दिल को जला नहीं पाते, बल्कि फौलाद बना देते हैं, इसलिए फिक्र मत करो। अमीर अजीज इज्जत, सुल्तान आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। अगर तुम अस्कलानी जंगियों से मदद मांगने आए हो तो ये ख्याल खाम है। तुम हमें रोक नहीं सकते, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकता, क्यों ना एक सौदा कर ले? लेकिन पहले इस खूबसूरत चेहरे से नकाब तो हटाओ। क्योंकि तेरी आंखों में अपनी दहशत देखना चाहती हूँ। तुम यहां उस राज को फाश करने आए थे, लेकिन इरादा बदल दिया शायद। इतना बड़ा खतरा कैसे मोल ले सकते थे अय्यूब? तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे मुंह पर यह राज फाश कर देने की धमकी दी। सुल्तान को बखूबी याद होगा, मैंने कहा था सलाहुद्दीन किसी भी तरह सजाए मौत। सलाहुद्दीन मेरा बेटा है, वो मेरी औलाद है, यही समझौता हुआ था ना, अपनी गोद में पाला है उसको। याद रखो अय्यूब, सलाहुद्दीन को तुमसे कम नहीं चाहता ये नूरुद्दीन जंगी। हालात इस नहज को पहुंच जाएं ये हम कब चाहते थे मेरे सुल्तान? हमारा कसूर इतना है बस कि हम उसके वालिदैन हैं। इस सीने में भी बाप का दिल है अय्यूब, मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। मेरा दिल उसके गम में और उसकी खुशी के लिए दिन रात बेचैन रहता। अगर सलाहुद्दीन पर कोई वार हुआ, ये सुल्तान नूरुद्दीन उसे अपने सीने पर रोकेगा। अगर ऐसा है तो फिर आपने उसे मौत के मुंह में जाने कैसे दिया? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता अय्यूब, ये रियासत भी तो है एक। सलाहुद्दीन को मालूम हो गया होगा इस तरह की रियासत किसको कहते हैं। सोना आग में जलकर ही कुंदन बनता है, और फौलाद से तलवार उसी वक्त बनती है जब आग में पिघलाया जाता है। उसे तैयार करना है ताकि रियासत को आगे ले जाने के काबिल हो। तुमने उसको रजात वाले मामले का कहकर
एक शक के अंदर मुब्तला कर दिया है। सलाहुद्दीन ने मुझसे पूछा था लेकिन मैंने उसे टाल दिया है। जब तक मेरी सांस चलती है सलाहुद्दीन का बाप बनने का ख्याल भी दिल में मत लाना, और आइंदा ये राज फाश करने की हिम्मत कभी ना करना, वरना मैं जानता हूं कि तुम्हें तुम्हारी औलाद और अहलिया किस तरह सलाहुद्दीन से बहुत दूर भेज दिए जाए। जब तक आप सही सलामत हैं, हमें भी कुछ नहीं होगा। ये बांध दो। हमें जल्द से जल्द दमिश्क पहुंच जाना चाहिए। चलो चलने की तैयारी करें। ये जंग जीत कर तुमने हमारे मुकद्दस शहर को बचा लिया गैब्रियल, और अब हमारा ये मुकद्दस शहर और बादशाह दोनों अमीर हो गए हैं। तुम पर खुदा की रहमत हो। ये तो महज आगाज हुआ है अमीर। हम तमाम मुस्लिम शहरों पर कब्जा कर लेंगे, उस नूरुद्दीन जंगी के दमिश्क समेत। सलाहुद्दीन इस बार बच निकला मुझसे, लेकिन अगली बार वो मेरे हाथों से बच ना पाएगा। हज के रास्तों की मोर्चा बंदी करके मैंने उन्हें इतना मजबूर और बेबस कर दिया है कि नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन कुछ भी करने के काबिल नहीं रहे। तोहफा फतह की खुशी में हमारी तरफ से ये तलवार अस्कलान के हाकिम की निशानी होगी। एक तो हुजूर इस खाकसार को हाकिम बना रहे हैं, क्यों समझे नहीं हम। आपका ताज लाया था अपने साथ, सो उसको पहनना भी है, और इसके साथ आपकी बहन विक्टोरिया के साथ शादी का इरादा भी है मेरा। ये विक्टोरिया कहां से आ गई अचानक? आपको इल्म होना चाहिए कि एक मुद्दत से हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला। आपने खुद कहा था कि अस्कलान के बदले जो मांगोगे मिलेगा मुझसे, और मैं पहले आपके उस्ताद ब्लैकफोर्ड को पैगाम भिजवा चुका हूं। वो शहजादी विक्टोरिया के साथ किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे, ऐन मुमकिन है कि वो कल ही आ जाए। अगर आपने ये अहद पूरा ना किया तो आपके उस्ताद आपसे नाराज हो जाएंगे आलीजा, और उनकी मदद के बगैर
नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन से असकलान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारी और अपनी बहन विक्टोरिया की शादी में शिरकत के लिए रुकूंगा। तुम्हारी शादी और फतह की खुशी में लड़ाएंगे जाम पर जाम। अस्कलान के हाकिम गैब्रियल। और तुम अपने अहद की पाबंदी करोगे, नूरुद्दीन के खतरे से अस्कलान को महफूज रखोगे। कोई फिक्र मत कीजिए आली जा, अस्कलान चीन के जो हालत मैंने सलाहुद्दीन की कर दी है, अब नूरुद्दीन की हालत भी वही होगी। मेरे सुल्तान, मुझे कैद कर देते तो बेहतर था। आपने मुझे यह सजा क्यों दी बाबा? ये तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो सलाहुद्दीन? बताया था ना तुम्हें, अस्कलान की तरफ अगर एक कदम भी उठाया तो तुम्हें एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अस्कलान की मदद करना चाहता हूं, यह सच है, लेकिन जिस लम्हे मैंने अपनी फौज भेजी, बाल्विन हज के रास्ते खून में डुबो देगा। अगर अपना दस्ता अपने साथ ले जाऊं मैं, तो पूरी जिम्मेदारी मुझ पर होगी बाबा। मैं जबान देता हूं आपके समझौते पर हर्फ ना आएगा। सलाहुद्दीन, क्या इतना यकीन है तुम्हें कि अस्कलान उस दस्ते के साथ बचा सकते हो? जी बिल्कुल बाबा। अगर तुम अस्कलान बचा लेते, बाल्विन हज के रास्तों की मोर्चाबंदी ना करता कभी, उल्टा उसे हमारे आगे सर झुकाना पड़ता और मजलिस दीवान की भी वो कार्रवाई ना होती, और उस मजलिस में भी रियायत की गई, कोई सजा नहीं दी गई तुमको। तुरान शाह ने कमजोरी दिखाई, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? हर एक जिम्मेदारी मेरी है, अगर किसी ने कमजोरी दिखाई तो वो भी मेरी है, सो तलाफी भी मुझे ही करनी चाहिए। जाने तो सही तुम किस तलाफी की बात कर रहे हो सलाहुद्दीन? शिकस्त हार जाने से नहीं होती बल्कि मान लेने से होती है। जब उन्हें हमले का तसव्वुर तक ना होगा, वही वक्त होगा जब हम उन पर हमला करते हैं। हमले से पहले एक मुनासिब वक्त मुंतखब करते हैं। वक्त ही तो नहीं बाबा, हमारी देर उन्हें ताकतवर कर देगी। हुक्म दूरी नहीं चलेगी सलाहुद्दीन, मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ नहीं करोगे तुम। आ जाओ। मेरे सुल्तान, अस्कलान की सुरैया खातून आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। नूरुद्दीन जंगी आपके मुंतजिर हैं। तलवार। यह तलवार नयाम में होगी या बाहर?
क्यों ना सुल्तान पर छोड़ दे फैसला। अस्कलान की मौजूदा सूरतेहाल पर मुझे अफसोस है सुरैया खातून। कुछ बोलिए, मैं हमतन गोश हूं। कॉल लायानी है, अगर फेल उसके ताबे ना हो। आपको अफसोस है तो वही कीजिए जिसकी जरूरत है अभी। और वो क्या है? वो शिकस्त हमारा नसीब ना बनती अगर आपका बेटा मंसूबा बंदी ना करता, इसलिए इसकी जिम्मेदारी आप पर है, सो कीमत आपको भरनी होगी। अस्कलान की तरफ फौज नहीं भेज सकता, हालात मुनासिब नहीं है। ओ अच्छा, आपकी वजह से अपना वतन खोना पड़ा हम लोगों को, और उसके बाद हम लोगों को बेइज्जत भी कर रहे हैं। तो अगर आप दोस्ती में हमसे मुखलिस नहीं हैं, तो फिर दुश्मनी में अखलास जरूरी हो जाएगा। आपका गुस्सा आपके गम की तर्जुमानी कर रहा है, लेकिन आपको गलतफहमी हुई है, इसलिए कि अस्कलान जितना आपके लिए अहम है उतना हमारे लिए भी है। यही लफ्ज बोले थे ना, इन्हीं लफ्जों ने तो सूली चढ़ा दिया अस्कलान को। मेरा बाप मौत की दहलीज पर है, कैद हो गया भाई। हम लोग आपकी इन अखुवत की कहानी उसे उकता चुके। तुम्हारे लोग मारे गए, तुमको अपना वतन छोड़ना पड़ा। अगर इस सूरत हाल में जंग छेड़ोगी हमसे तो भला कितने अरसे तक लड़ पाओगी? सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मैं पूरे अस्कलान की बात कर रही हूं। खौफ खाना हमारी सरिश्त नहीं, ना तादाद मसला है हमारे लिए। हमारे लिए है इस वक्त जब सलीबियों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, हम मुसलमानों को मुसलमानों का खून बहाने नहीं देंगे। सुरैया खातून, अस्कलान सलीबियों के कब्जे में है, और हज के रास्ते भी उन्होंने घेर रखे हैं। ये वक्त जज्बात का नहीं, अक्ले सलीम इस्तेमाल में लाने का है। हमें आपस की रंजिश भुलाने की जरूरत है, ताकि हम उन्हें शिकस्त दे सके मिलके। हमने एक बार इत्तेहाद की कोशिश की थी, गलती की थी, और आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसीलिए अस्कलान ही हमारा मसला है बस। मेरे सुल्तान, गैब्रियल इजाजत चाहता है। सुल्तान नूरुद्दीन से उसका पड़ोसी हाकिम मिलने आया है, ऐसे इस्तकबाल होगा? तुम हमारे पड़ोसी नहीं हो, एक दुश्मन हो। हिसाब देना होगा तुम्हें एक दिन। मैंने तो वही सब किया जो करना चाहिए था शिर को। अगर हिसाब बराबर करना है तो जानते हो तुम्हें किसे पकड़ना चाहिए? जोर ना दो जहन पे, हम बता देते हैं। सलाहुद्दीन है वो खुशनसीब। अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे कब क्या करना है और क्यों करना है। जहां तक मेरे भतीजे की बात है, गौर से देख ले वो समंदर जो उसके खून से अब तक लाल है। वक्त आने की देर है, तुझे उसी समंदर में डुबो देंगे। जंग में तो होता ही यही है, किसी का बह जाता है खून और कोई बहाता है। कमांडर शिरकू, अगर रिश्तेदारों की मौत का इतना दुख है तो उन्हें घर से ही ना निकलने दो, इस तरह वो जिंदा रहेंगे और तुम सुखी। मेरे एक शहंशाह की जगह लेने के लिए बीसियों शहंशाह तैयार बैठे हैं, और वो शहंशाह की मौत का बदला तुझसे लेंगे। बीसियों शहंशाह? हाँ। इसका तो मतलब ये है कि मुझे शहंशाह की तरह उन्हें भी मानना पड़ेगा। सुल्तान नूरुद्दीन गैब्रियल को मुलाकात की इजाजत देते हैं।
सुल्तान नूरुद्दीन से मिलना है मुझे। रास्ते से हट जाओ। तुम अंदर नहीं जा सकते, यही इंतजार करना होगा। तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की?